कविता सिन्हा, मैं आज आप लोग के लिए इरिगेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके आई हूँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये है कि जब गर्मी पड़ती है तो सूर्य की किरणें जब ओशंस, रिवर, लेक ये सब में जब पड़ता है तो वहाँ का जो पानी होता है वो वाष्प बन के बादलों में जाके जम जाता है, और जब बारिश का मौसम आता है तो वही पानी फिर से बारिश के थ्रू ओशंस और रिवर में आके फिर से फिल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस जो चलता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो जान लिया, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। सबसे पहले है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्नो है, जो कि जो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू वहाँ का पानी जो है वो वाटर का फॉर्म लेके वाटर लेवल में आ जाता है। देन यहाँ से क्या होता है कि ये पानी जो है वो लेक में, और लेक के थ्रू फिर रिवर में, और रिवर के थ्रू फिर ओशंस में जाके ये पानी जो है वो फ्लो होता है। देन ये जो चीज़ें हैं वो ये प्रोसेस कंटिन्यू में चलते रहती हैं। देन ये होता क्या है कि हमारे पास बहुत बहुत जब गर्मी पड़ती है तो लेक का पानी होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू, और लेक, रिवर और ओशंस के जो पानी होते हैं वो इवेपोरेशन के थ्रू बादलों में जाके फॉर्म हो जाते हैं। देन होता यह है कि जो बादल के जो बादल या फिर क्लाउड्स जो हम लोग बोल सकते हैं, वो जो होता है वो फिर से जब बारिश होती है जो प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन के थ्रू, वो फिर से जब बारिश के थ्रू हमारे यहाँ लेक में फिर से जमा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लाउड्स में दो तरीके से पानी जमा होता है। एक जो लेक और रिवर का जो पानी होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू जाके जमा होता है, और जो हमारे पास जो पेड़ पौधे जो होते हैं या घास होती हैं उसका जो पानी, उसमें भी जो नमी पाई जाती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वहाँ पे जाके वाष्प, वो भी एक तरीका का वाष्प बन के क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस जो चलता है वो हमारा कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन, वाटर लेवल, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। तो ये जो थ्योरी है वो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ये कुछ कंपोनेंट हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, परकुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन और रेनफॉल। तो ये चीज़ें यदि जाननी है तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो बादल का जो पानी जो होता है वो जमा रहता है, वो जब पानी का फॉर्म ले लेता है और रिवर में आके या लेक में आके जब जमा हो जाता है वो कहलाता है हमारा प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन। देन क्या होता है कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जो हमारा जो पानी होता है, जो लेक और रिवर में जो पानी जमा होता है वो वाष्प बन के क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है, जो वाष्प के रूप में उड़ के बादलों में जाके जमा हो जाता है वो हमारा कहलाता है इवेपोरेशन। देन आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसका जो नमी होता है, उसमें जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो क्योंकि पेड़ पौधे भी सूखते हैं तो वो जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बादलों में जाके जमा होते हैं वो कहलाते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन उसका भी पानी भाप बन के क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है तो वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। देन आता है यहाँ पे परकुलेशन। परकुलेशन क्या होता है कि स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल जब होता है तो वो जो स्नो होते हैं वो पानी का फॉर्म ले लेते हैं और वो ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं, और ये जो ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है वो परकोलेट होके, मतलब वो एक तरीके से बहते हुए लेक में जाके जमा होता है, वो होता है परकोलेशन कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परकोलेशन। अब आता है रेनफॉल। रेनफॉल किसको बोलते हैं, रेनफॉल ये चीज़ है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद भी हमारे पास जो वेस्टेज जो पानी है कहीं ना कहीं वो जाके बहता है, पानी गिरता है, पानी गिरा तो आधा हमारे पास लेक, रिवर और ओशियन में जाके पानी जमा हुए, कुछ पानी नदी, तालाब और बह गए, नालियों में चले गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे पानी जो है वो वेस्ट के रूप में जाता है ना, सड़कों में आता है और गड्ढों में जाके जमा हो जाता है और इधर उधर फ्लो हो जाता है, फैल जाता है। तो ये पानी जो होता है वो हमारा, और इसी जो ये जो बचा हुआ जो वेस्ट पानी है उसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल,
इस पे यदि कोई डाउट हो तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी और भी चाहिए तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू टॉपिक लेके आएंगे।